हम क्या बोलते हैं, राइट अप पाइथन कोड टू गेट पिक्चर यूजिंग ओपन सीवी एंड टेक फोटो। ओके, लेट्स सी द आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीआरडी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि चैट जीपीटी का कैसे यूज करेंगे पाइथन में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि ये पाइथन कोड जनरेट करके देता है हमको जब हम लोग इसको मांगते हैं, कि कैसे हम लोग पाइथन में चैट जीपीटी के चैटबॉट को बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा फंक्शंस के साथ हमको एक सोर्स कोड बना के दे देते हैं। चलिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग पहुंचते हैं अपने आईडीएली या फिर वीएस कोड में। चलिए, हम सिंपल अभी प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम आईडीएली में ही रिकमेंड करेंगे आप, क्योंकि ये सिंगल फाइल है। तो हम लोग एक न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले सेव करते हैं किसी भी अच्छे जगह पर। तो चलिए हम सेव कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे करते हैं चैट पेस्ट। ओके, और यहाँ पर सेव कर दिए। अब चाहे तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से भी आप रन प्रोग्राम यूज करेंगे तो आपको तो रन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से रन हो। तो यहाँ से खोलते हैं सीएमडी और हम करते हैं पाइथन चैट, क्या लिखे थे इसका नाम, चैट टेस्ट वन, चैट टेस्ट वन डॉट पी वाई। ये कुछ फाइल्स को आपको डाउनलोड करेगा सबसे पहले, तो क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को इसका डेटा चाहिए, क्लाइंट डेटा चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है क्योंकि चैट जीपीटी 1.52 GB का फाइल डाउनलोड करने वाला है। तो 1.52 GB का डाउनलोड करने वाला है, तो हो सकता है कि आपके पास ये पर्याप्त नहीं हो इंटरनेट, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर है, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ये डाउनलोड कर रहा है 1.52 GB, लेट इट टू बी डाउनलोडेड, और उसके बाद देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे खुल गया, हाय आई एम चैटबॉट बेस्ड चैटबॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो चलिए हम लोग आस्क करते हैं इसको, पूछते हैं कि ये भाई आंसर देते हो कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको आंसर में एरर आ रहा है, दैट टेंशन मास फ्रॉम द फ्लैट टोकन रिसीव्ड बाय दिस, ठीक है, आंसर तो नहीं आ रहा है। प्लीज पास योर इनपुट्स अटेंशन मास टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स। ओके, कुछ तो ये बता रहा है भाई, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन ये हेलो तो जरूर बोला है। What is 2 + 2? क्या आंसर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा भाई, क्योंकि ये कुछ और ही बोल रहा है। Other solution to problem as well, using multiple substitution and multiple exponential, this proof is used to algorithm and has a very limited. भाई कुछ और ही दे रहा है उसके बाद आंसर निकालता है यार, ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये आंसर दे रहा है, what is 2 + 2 = 4, आंसर दे रहा है भाई, लेकिन बहुत ही कुछ अजीब सा लिख रहा है, ठीक है। तो GP22 में कुछ तो प्रॉब्लम है ना, और ये ऑफलाइन है, सबसे पहले तो ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन काम नहीं करता।
इसके लिए पर ना ही आपको एपीआई की जरूरत पड़ी है, ना ही कुछ की जरूरत पड़ी है, ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है। आप इसका मेडिकल यूज आगे देख सकते हैं भाई, इसका डॉक्यूमेंटेशन में आप ढूंढ सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको करेंगे, बट हम लोग ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमको भाई ये नहीं चाहिए। तो हम लोग तो क्या बोलेंगे भाई कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेंगे, हमको तो चैट जीपीटी 3 की कोड, चैट जीपीटी 2 का कोड मत दो हमको, आई वांट टू मेक चैट बोट यूजिंग चैट जीपीटी 3, ठीक है भाई। हमको ये नहीं बोल पाए कि हम पाइथन में हैं, लिखे नहीं लिखे ना, लेकिन ये जरूर देगा ये पाइथन में, क्योंकि ये समझ चुका है कि भाई हम पाइथन में ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग क्या बोले थे, हम लोग पाइथन में बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये पाइथन में ही देगा। लेट्स वेट एंड वॉच। टू क्रिएट अ चैटबॉट यूजिंग चैट जीपीटी 3 यू कैन यूज द ओपन एआई एपीआई, भाई ठीक है, मेरे पास एपीआई है, तो चलिए देखते हैं क्या करता है। तो भाई साइनअप वगैरह हो गया भाई, एपीआई की मिल गया हमको, आके दो। सबसे अच्छी चीज है ना भाई ये कि स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरा का पूरा बताता है, पूरा का पूरा ये स्टेप बाय स्टेप बताया था, जैसे कि आपको कोई इंसान इलेबोरेट कर रहा है कि नहीं। तो ये आप क्या बता रहा है आपको, देखिए इंस्टॉल ओपन एआई एपीआई पैकेज, यू कैन इंस्टॉल द ओपन एआई पैकेज यूजिंग दिस। बीच में ही इसको अभी हमको बीच में ही इसको इंटरप्ट करना पड़ा, मेरा एक कॉल आ गया था, चलिए हम लोग फिर से इसको री जनरेट करते हैं, तो फिर से इसके आंसर को लेते हैं, बस फटाफट बता ही रहा है। तो ये बता रहा है कि हम लोग ओपन एआई नाम का एक मॉड्यूल है, उसको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना होगा, तो पिप इंस्टॉल ओपन एआई कर लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग खोल देते हैं अपना सीएमडी, यहाँ पे जस्ट आप पिप इंस्टॉल ओपन एआई कर सकते हैं, हमने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बोल देगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या है, उसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप बता रहा है कि इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोड में आपको एक चीज आप दिखेगा कि तो ये ओपन एआई एपीआई को os.environment में ले रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप environment variables में जाएं एंड openai_api_key इस तरह से एक आप बनाए वेरिएबल और वहां पे आप सेव कर दें अपने वैल्यूज में, आप डालें अपना एपीआई की, जैसे कि मैंने अपना एपीआई की लिया था ना, मेरा एपीआई की मेरे पास है, उसी एपीआई की को उनको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना ओपन एआई एपीआई की नहीं दिखा सकता जो कि मेरे पर्सनल यूज का है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उनको जो अभी है उसका हम उनको दिखाते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आना है और यहाँ पे ओके आप एक बना सकते हैं ओपन एआई एपीआई की, ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू में डाल देंगे जो वैल्यू होगा एपीआई की का, ठीक है। आपको जानते ही है कैसे करना है, बस आप न्यू में आइए, न्यू में आने के बाद वेरिएबल का नाम डालिए ओपन एआई एपीआई की और वैल्यू में डाल दीजिए अपना वो वैल्यू जो कि आपका ओपन एआई का एपीआई की है, उसको क्लिक कर दीजिए, डन हो गया, ठीक है। तो जब वो हो जाएगा उसके बाद सीएमडी को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप इस अपने कोड को यूज कीजिए, ठीक है भाई। इसने फिर से दे दिया अलग अलग, हम फिर से इसको मांगते हैं कि भाई एक लाइन पे हमको दे दो, हम कॉपी को तीनों को अलग अलग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो राइट फुल कोड, तो लिखता है ये मांगता है फुल कोड देता है या नहीं देता है, एंड द सैंपल कोड दैट इज मोशन हाउ टू क्रिएट अ सिंपल चैट बॉट यूजिंग चैट जीपीटी 3 इन पाइथन। ये मिल गया हमको कोड, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट वन को ही रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास ओपन एआई एपीआई की है ओएस डॉट इन्वायरमेंट में। ये देखिए इसका फायदा ये है ना कि आपको अपने कोड में उसको शो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पस है कि आप अगर आप अपना एपीआई की यहाँ दिखा देते हैं तो आपके अकाउंट का एपीआई की को यूज करके कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो जब मिसयूज करेगा भाई तो किस बात पे होगा ना। इसीलिए ये फीचर आया है कि openai.api की में आप डाल दीजिए os.environment openai api की का वैल्यू और मॉडल इंजन में यूज किया गया है ये, ठीक है। बहुत सारे मॉडल इंजन है
आप चाहे तो यहाँ से ले भी सकते हैं इंजन में, ठीक है, ओपन एआई डॉट इंजन टाइप करके मॉडल इंजन बहुत सारा देख लेते हैं। यहाँ पे इसने फंक्शन बना दिया जनरेट रिस्पॉन्स का, जिसमें आपको इनपुट टेक्स्ट मांगेगा, आप इनपुट टेक्स्ट इसमें देंगे तो कैसे देंगे, ये एक वाइल लूप लगाया इन्फिनिटी लूप, और इसमें आपको बोला इनपुट टेक्स्ट एक मांगेगा आपको यू बोल के, आपने दिया जनरेट रिस्पॉन्स को कॉल किया, इनपुट टेक्स्ट को उसने फीड किया, और उसके बाद वहां से जो रिटर्न आएगा वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट मिलने के आपको आंसर बताएगा कि बोल क्या दे रहा है आंसर। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि भाई काम तो करेगा ना भाई, मैं बना के तो दियो, काम तो करना चाहिए। अब हम इसको पूछते हैं, हेलो हाउ आर यू, वो सब टाइप किया निकला लेकिन आंसर मिल जाएगा सही, आई एम डूइंग वेल थैंक यू, ठीक है। Can I ask you a favor? You can ask me a favor. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन आई मेक अ प्रोग्राम टू मेक डायमंड यूजिंग स्टार्स इन पाइथन। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता था हम लोग के एग्जाम्स में, जब हम लोग पढ़ते थे ना अपने बैचलर्स डिग्री में या अपने मास्टर डिग्री में, तो ये हर टीचर ना यही लॉजिक होता है कि भाई डायमंड बोलते हैं उस लॉग कोई लेटर लिख दो स्टार से, ये बहुत ही भाई पेचीदा चीज जो कि किसी को इंटरेस्ट नहीं आता था कि भाई लिखा क्या क्या इसका यूज है। चलिए इसी को लिखते हैं कि बना पास है क्या, तो ये क्या बता रहा है, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये बता रहा है कि भाई ये कोड थोड़ा सा अजीब सा चीज होता है, ये तो एक साइज का तो होता नहीं कि भाई बना दें, ठीक है। चलिए कुछ और आंसर इसको पूछ सकते हैं, राइट राइट अ फूल क्यों लिखना है, कोड लिखना है राइट अ कोड टू यूज ओपन सीवी, राइट अ कोड टू यूज ओपन सीवी टू ओपन कैमरा एंड पिक्चर, ये आंसर देख पाता है आपको लगता है, चलिए देखते हैं क्या कर सकता है। वाओ इसने तो आंसर दे दिया भाई, देख सकते हैं इसने आंसर पूरा का पूरा दे दिया है, ठीक है, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि इसने दिया है हमको ये चाहिए था पाइथन में, तो हम लोग राइट इन पाइथन ब्रो, और भाई ये नहीं भाई ये क्या करता है ना कि वहां के जैसे ही नहीं करता, जैसा इसका वेबसाइट में जो रखा वैसा ये रिमेम्बर करके नहीं रख पा रहा, हम क्या बोलते हैं राइट अप पाइथन कोड टू गेट पिक्चर यूजिंग ओपन सीवी एंड फोटो, ओके सी द आंसर, क्या बोल रहा है भाई कि हाँ वीडियो एडिटर में सीवी टू डॉट वीडियो कैप्चर कर लें, वीडियो फ्रेम कर लें, वीडियो डॉट रेड कर लें, आई एम को फीचर कर लें और फ्रेम को रेड कर लें, भाई क्या आंसर देता है, सॉरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये काम क्या कर रहा है, चैट जीपीटी 3 काम कर रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हिंट करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज आगे कैसे करें, भाई इतना ही में तो यूज नहीं होगा ना पाइथन में इसका, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि कैसे यूज करेंगे हम लोग पाइथन में और भी ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ और फीचर्स होंगे, जरूर कुछ और फीचर्स होंगे, हम लोग उसको डिफरेंट ऐप में देखेंगे कि कैसे उसका अदर यूज हम लोग कर सकते हैं, तो के लिए बाय बाय सी यू।